लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। मैं सानिया जी, नई नजर डालते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट पर। शारदीय नवरात्रि का आज पांचवा दिन है। नवरात्रि के पांचवे दिन माँ दुर्गा जी के पांचवे स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता की आराधना करने वाले भक्तों को सुख शांति एवं शुभता की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्कंद माता भक्तों के लिए स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त करती है। माँ स्कंद माता को दुर्गा सप्तशती शास्त्र में चेतांशी कहकर संबोधित किया गया है। मान्यता है कि माँ स्कंद माता बुध ग्रह का नियमन करती हैं। देवी के पांचवे रूप माँ स्कंद माता की पूजा से साधक को अंगारक योग के दोषों से मुक्ति मिलती है। शत्रु व दुर्घटना का भय भी दूर होता है एवं बल व पराक्रम की प्राप्ति होती है। देवी की पूजा से रक्त निर्मलता, कुष्ठ आदि रोगों में स्वास्थ्य लाभ होता है। माँ के इस पांचवे स्वरूप की उपासना इस बार 3 अक्टूबर यानी आज होगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप माँ के स्वरूप की पूजा आराधना कैसे करें। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता की कृपा से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने और कठिन परिस्थितियों से उभरने में मदद मिलती है। स्कंद माता की पूजा करने से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। स्कंद माता मोक्ष प्रदान करने वाली भी है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। माँ कमल आसन पर विराजमान है। दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से उन्होंने स्कंद को गोद में पकड़ा हुआ है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में भी कमल पुष्प है। इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। सिंह माता का वाहन है। ये देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई हैं। स्कंद माता यानी स्कंद की माँ। माता पार्वती के बड़े पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद है। जब माता पार्वती ने स्कंद को जन्म दिया उसके बाद वो स्कंद माता कहलाने लगी। माता पार्वती को स्कंद माता के नाम से भी जाना जाता है। भगवान स्कंद कार्तिकेय की माता होने के कारण देवी के पांचवे स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाने लगा। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति थे। आपको बता दें कि माँ स्कंद माता वात्सल्य की देवी हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी स्कंद माता ही हिमालय की पुत्री हैं और इस वजह से इन्हें पार्वती कहा जाता है। महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें माहेश्वरी भी कहते हैं। इनका वर्ण गौर है, इसलिए इन्हें देवी गौरी के नाम से भी जाना जाता है। एक और मान्यता है कि आदि शक्ति जगदम्बा ने वाणासुर के अत्याचार से संसार को मुक्त कराने के लिए अपने तेज से एक बालक को जन्म दिया। 6 मुख वाले सनत कुमार को ही स्कंद कहा जाता है। इनकी गोद में कार्तिकेय भी बैठे हुए हैं। बता दें कि पुराणों में कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है, अतः इनकी पूजा से कार्तिकेय की पूजा स्वयं हो जाती है। तंत्र साधना में माता का संबंध विशुद्ध चक्र से है, अतः मन को एकाग्र रख कर और पवित्र रख कर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाइयां नहीं आती हैं। स्कंद माता ममता की मूर्ति, प्रेम और वात्सल्य की प्रतीक, साक्षात दुर्गा का स्वरूप है। तो चलिए अब आपको बताते हैं आप माता के इस पांचवे स्वरूप को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। माँ के श्रृंगार के लिए खूबसूरत रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। पूजा में कुमकुम, अक्षत, पुष्प, फल आदि से पूजा करें। चंदन लगाएं, माता के सामने घी का दीपक जलाएं। आज के दिन भगवती दुर्गा को केले का भोग लगाना चाहिए। पीले वस्त्र धारण करके अगर पूजा की जाए तो पूजा के परिणाम अति शुभ होते हैं। स्कंद माता की पूजा में धनुष, वाण अर्पित करने का विशेष महत्व है।
इन्हें सुहाग का सामान जैसे लाल चुनरी, सिंदूर, नेल पेंट, बिंदी, मेहंदी, लाल चूड़ियाँ, लिपस्टिक इत्यादि अर्पित करना चाहिए। नवरात्र के पांचवें दिन लाल वस्त्र में सुहाग की सभी सामग्री, लाल फूल और अक्षत के समेत माँ को अर्पित करने से महिलाओं को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। स्कंद माता को भोग स्वरूप केला अर्पित जरूर करना चाहिए। माँ को पीली वस्तुएं अति प्रिय होती हैं, इसीलिए केसर डालकर खीर बनाएं और उसका भी भोग लगाएं। माँ दुर्गा का स्कंद माता स्वरूप अदम्य साहस और करुणा से परिपूर्ण है। स्कंद माता की आराधना करने से भगवान कार्तिकेय की कृपा भी आप पर बनी रहती है। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। लगातार नई अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।